हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास नाइन्थ सोशल साइंस का सेकंड चैप्टर, अनुभाग दो का सेकंड चैप्टर होगा। तो जो लोग भी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए। वीडियो बहुत ही बेस्ट होने वाला है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। यहीं तो इसका शीर्षक क्या है, देखिए, भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, भारत का भौतिक स्वरूप, तो इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो इससे संबंधित जो भी सारी चीज़ें हैं उनको मैप के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझते चलेंगे, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे चैनल भी आगे बढ़ सके और आपकी पढ़ाई भी आगे निरंतर चलती रहे इसी तरह से। तो ये रहे आपके सामने अभ्यास के प्रश्न, तो इसको आइए हम लोग करते हैं और समझते हैं। ठीक, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, फर्स्ट नंबर। और पहला नंबर इसका पहला क्या पूछ रहा है कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन है तट बोलते हैं, कि प्रायद्वीप बोलते हैं, कि द्वीप बोलते हैं, किसमें से कोई नहीं बोलते हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका बी नंबर। कौन सा होगा, बी नंबर, प्रायद्वीप बोला जाता है। फर्स्ट का कौन सा आंसर होगा, ख नंबर इसका सही उत्तर होगा। आइए समझाते हैं कि प्रायद्वीप और द्वीप बोलते किसको हैं मैप के माध्यम से। तो देखिए, आपको स्क्रीन में भारत का नक्शा मैप दिखाई दे रहा होगा। तो प्रायद्वीप ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, ठीक, पानी से घिरा हो। तो यहाँ देखिए, आप भारत के मैप में देखिए, नक्शे में देखिए, जो ये वाला भाग है ये तीन ओर पानी से घिरा हुआ है, इधर नीचे भी और इधर से यहाँ तक टोटल क्या है, ये पानी से घिरा हुआ है टोटल। ये समुद्र जो नीला नीला दिखाई दे रहा है समुद्र का भाग है, इधर आपका क्या है बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर, इधर अरब सागर है, तीनों ओर जल से घिरा हुआ है। तो भारत का यह भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है इसी को बोलते हैं प्रायद्वीप। कोई भी भाग जो तीनों ओर से जल से अर्थात पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इतना भारत का भाग जो है वो प्रायद्वीपी भारत कहलाता है, ठीक। और समझिए, द्वीप किसको बोलते हैं, द्वीप ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, जैसे ये हो गया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह बोलते हैं। बहुत सारे द्वीप जब मिल जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, द्वीपों का समूह, तो उसको क्या बोलते हैं, द्वीप समूह। इसी तरह से लक्षद्वीप जो है वो आपका, जिस इसके जो द्वीप हैं छोटे छोटे भूभाग हैं जो वो चारों ओर से पानी, जैसे एक भूभाग ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, ठीक, जैसे समझिए ब्लैक कलर का ये भूभाग है, ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम द्वीप बोलेंगे। अब जब बहुत सारे द्वीप हो गए तो उसको क्या बोल देंगे, द्वीप समूह बोल देंगे। तो हो गया आपका लक्षद्वीप समूह। और इसी तरह से इधर भी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको भी बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको और कैसी चीज़ें चाहिए, और ज़रूर अपने व्हाट्सअप में शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमको भी मोटिवेट होते रहें वीडियो बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूछ रहा है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। ऑप्शन चार ऑप्शन दिए गए हैं, हिमालय नाम है, पूर्वांचल बोलते हैं, ग नंबर उत्तराखंड है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा, देखिए इसका भी उत्तर आपका ख नंबर होगा, पूर्वांचल, पूर्व में स्थित है तो इसको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। तो भारत और म्यांमार देश के बीच सीमा निर्धारण करते हैं। तो आइए इसको भी मैप में देख लेते हैं। मैप में देखने से क्या होता है कि इमेज के माध्यम से अगर जो किसी चीज़ को पढ़ा जाता है तो दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाती है और बहुत समय के लिए, लंबे समय के लिए उनको याद रखा जा सकता है आसानी से। इसी कारण से हम आपको मैप के माध्यम से ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यह भारत का अपने प्यारे भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो म्यांमार की सीमा लग रही है, म्यांमार इधर पूर्व की तरफ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये लिखा हुआ है म्यांमार, ठीक। तो इसमें क्या है, यहाँ से सीमा लगती है म्यांमार की, ठीक। तो इसमें जो पर्वत हैं अलग अलग नाम से हैं, लेकिन इनके सभी पर्वतों के समूह को क्या बोला जाता है, पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाती है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपका आंसर है ग नंबर, कोंकण तट कहलाती है। इसका क्या उत्तर होगा, कोंकण तट, आप इसका आंसर अपने नोट्स में इसी तरह से लिख लेंगे। और आइए इसको भी समझते हैं।
तो मैप में आप देखिए आपको ये कोंकण लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यही है, इसी की बात हो रही है, ये जो पट्टी है इसी की बात हो रही है। तो लगभग यहाँ स्थित है गोवा, गोवा की स्थिति आपको यहाँ मिलेगी। ठीक, तो गोवा जो है उसके क्या बोला है कि दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय क्षेत्र। तो पश्चिम तटीय क्षेत्र क्यों बोला गया है, क्योंकि यह भारत में देखिए पश्चिम की ओर पीछे की ओर स्थित है ना, पीछे की ओर, इसको पश्चिम, इसीलिए इसको पश्चिमी तटीय पट्टी बोला गया है। तो ये हुआ आपका कोंकण। ठीक, और देखिए एक चीज़ और देख लीजिए क्या है, इसको बोलते हैं मालाबार तट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिम की तरफ स्थित घाट को पश्चिमी घाट, और इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। ये जो है ये टोटल क्या है, पूर्वी घाट, इधर जो पट्टी है इधर टोटल जो ये पूर्वी घाट, क्योंकि ये पूर्व की ओर स्थित है इसलिए इसको बोला जाता है पूर्वी घाट, और कोंकण तट के नाम से, सॉरी कोरोमंडल तट के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए कोरोमंडल ये यहाँ लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्थ नंबर क्या पूछ रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए ये आपके सामने, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अर्थात पूर्वी घाट जो हम आपको दिखाए हैं नक्शे में उसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, अनायमुड़ी है कि महेंद्रगिरी है कि कंचनजुंगा है कि खासी है। तो इसमें आपका उत्तर होगा देखिए सेकंड नंबर, खा नंबर इसका आंसर चाहिए अर्थात महेंद्रगिरी। कौन सा होगा, महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। आइए इसको मैप में देखते हैं कि यह इसकी स्थित कहाँ है। तो ये देखिए आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा पश्चिमी पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट ये हम आपको ही बताएं तो पूर्वी घाट में स्थित महेंद्रगिरी जो है वो यहाँ का सबसे ऊंचा शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है 1501 मीटर अर्थात 1501 मीटर लंबा है। तो ये है स्थित लगभग आंध्र प्रदेश में, है ना, आंध्र प्रदेश के पास ही स्थित है जो पूर्वी घाट का सबसे ऊँचा शिखर है। तो ये रहे आपके छोटे वाले क्वेश्चन आंसर अर्थात जो विकल्प वाले क्वेश्चन हैं उनको हमने करवा दिया इस वीडियो में। अब जो भी बड़े वाले क्वेश्चन उनको अगले वीडियो हम करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, आपको और कैसे वीडियो चाहिए, और शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको देखने में छोटा सा वीडियो लगता है लेकिन इसको बनाने में लगभग 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाने में आधे से 1 घंटा का समय कम से कम लग जाता है अगर अच्छे से उसको बनाया जाए तो। ठीक है, तो आप लोग जो लोग भी नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए, आपसे विनती समझ लीजिए है। और यदि कोई सोचता हो कि YouTube के माध्यम से सर को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इतने सब्सक्राइबर से इतने दीवाने से बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, सर लखपति हो गए हैं, ये है वो है, तो हम कुछ ही दिन आपको अपनी YouTube की अर्निंग भी दिखा देंगे कि आज तक में कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है। और YouTube के बारे में आपको सारी जानकारी यदि आपको चाहिए तो कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उसके लिए भी आपको एक वीडियो बना देंगे, बढ़िया वीडियो YouTube के बारे में टोटल जानकारी उसमें आपको हम देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।